हमारे मेन कैरेक्टर के एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसे लगता है शायद उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चीट कर रही है और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द पैरामेडी ये 2020 की एक थ्रिलर स्पेनिश मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एंजल को उसके पार्टनर रिकार्डो के साथ देख सकते हैं। ये दोनों एक पैरामेडिक है। जहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ होता है वहाँ पर पहुंचकर उनके विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। ये काम करते वक्त एंजल का एक सीक्रेट है, जिन भी लोगों की वो हेल्प करता है अगर उनकी कोई वैल्यूएबल चीज़ नीचे पड़ी होगी तो खुद के लिए रख लेता है। आज रात भी उसने ऐसा ही किया। इसके बाद उसके घर पर हम उसकी गर्लफ्रेंड देखते हैं। आज रात उसके साथ इंटीमेट हुआ। एक्चुअल में ये दोनों बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे। बहुत दिन हुए पर ये प्रेग्नेंट हुए नहीं थे। वाने को लेकर एंजल ज़रा पजेसिव होता है। वो किसी से भी बात करे ये बात उसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। एक दिन एक बूढ़ी औरत की डेथ हो गई तो वहाँ से भी एंजल उसकी चीज़ें चुरा लेता है। इसमें एक वैल्यूएबल वॉच थी और एक वेडिंग रिंग थी। वेडिंग रिंग उसने वाने को देने के लिए अपने पास रख ली और इस वॉच को एक गैंगस्टर को सेल कर देता है। इस गैंगस्टर का मूवी में आगे रोल प्ले होगा। एक दिन जब एंजल घर पर आया तो वाने को किसी का मैसेज आ रहा था। एंजल कहता है इसे रिप्लाई दे दो। वाने कहती कि मैं बाद में दे दूंगी। तो एंजल को लगा कि शायद वाने का कहाँ पर अफेयर चल रहा है। वाने को लग रहा था कि एंजल में शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो प्रेग्नेंट हो नहीं पा रहे। उसे हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाने के लिए कहती है। एंजल भी बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जाकर हॉस्पिटल में चेक करवा कर आता है। वहाँ पर उसे पता चला कि उसका स्पर्म काउंट बहुत ही कम है और इसी वजह से वो फादर बन नहीं सकता। वाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। घर पर आने के बाद ये बात वो वाने को नहीं बताता। उसे कहता है हमें सिर्फ ट्राई करते रहना चाहिए। आज रात भी वो वाने के साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर वाने को ज़रा स्टडी करना था तो इसी वजह से वो लाइब्रेरी जा रही थी। शक में आकर एंजल ने वाने का फ़ोन चेक किया तो एक लड़की का उसे मैसेज आया हुआ था। ये लड़का ज़रा हैंडसम था तो इस वजह से वो जेलस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंजल रिकार्डो के साथ अपने जॉब पर था। वहाँ पर वो एक आदमी को सेव करते हैं और जल्दी से जब हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे तो अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में रिकार्डो तो बच गया था, उसे कुछ भी नहीं हुआ, पर एंजल के पैर पर बहुत बड़ी चोट आई थी। इस वजह से उसके लेग्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अब वो चल फिर नहीं सकता तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वाने उसे सपोर्ट कर दिया। वो बेचारा उसके बाहों में रोता है। हर चीज़ को लेकर उसे हेल्प करती थी, खाना पीना हर जगह पर लेकर जाना। एक रात फिर से वाने अपने क्लासमेट के साथ लाइब्रेरी में जा रही थी तो एंजल उसे पूछता है तुम इतनी अच्छी तरीके से तैयार होकर लाइब्रेरी जा रही हो, क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है? वाने ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वहाँ से चली गई। एंजल का इस तरीके से उस पर शक करना उसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन एंजल ने कुछ रिसर्च की। वो चाहता था कि हमेशा वाने का अता बता उसे मालूम हो। वो फ़ोन पर किससे बात करती है, कहाँ पर जाती है, ये सब कुछ उसे पता चल सके। इंटरनेट पर उसे एक ऐप के बारे में पता चला। ये ऐप उसे वाने के मोबाइल पर और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना था। इसे वाने की लोकेशन, वो किससे बात करती है, किससे चैट करती है, कैमरा, ये सब उसे एक्सेस हो सकता था। एंजल आजकल थेरेपी वगैरह लेकर अपने लेग्स को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन एंजल से मिलने के लिए उसका पार्टनर रिकार्डो आता है। रिकार्डो ने उसे सॉरी कहा। एंजल ने कहा तुम्हें सॉरी होना भी चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरी ये सारी हालत हुई है और तुम सही सलामत हो। ये सब सुनकर रिकार्डो को बुरा लगा। वाने एंजल से कहती है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हें इस तरीके से उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। एंजल को वाने के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने के लिए टाइम मिल सके तो उसे कहता है कि नीचे जाकर मेरे लिए प्लीज़ आइसक्रीम लेकर आओ। वाने इस बात को मान लेती है और जब वो नीचे गई तो एंजल ने अपना ऐप उसमें इंस्टॉल कर दिया। अपने लैपटॉप से अब वो सब कुछ एक्सेस कर सकता था। वाने ने ऊपर आने के बाद अपना मोबाइल चेक किया पर उसे कुछ भी अलग लगता नहीं। रात में एंजल को अपने लेग पर बहुत तकलीफ होती है। उसी वक्त उसके नेबर का डॉग बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहा था। इस बात से एंजल बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। अगले दिन अपने नेबर से उसने इसके बारे में बात की। नेबर ने कहा कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो रात में उसे देखने के लिए मुझे जाना पड़ता है। डॉग घर पर अकेला होता है इसी वजह से वो बाग करता है। थोड़े दिनों के लिए उसने एंजल को एडजस्ट करने के लिए कह दिया। एंजल के लिए ये विदाउट लेग्स लाइफस्टाइल बहुत ही अलग थी। उसकी थेरेपी में उसे जो नर्स हेल्प कर रही थी उसका नाम था सैंड्रा। सैंड्रा हमेशा एंजल से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाने का ट्राई कर दिया। एंजल ने आज उसे कहा कि इससे ज़्यादा अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। पर सैंड्रा ने उसकी व्हील चेयर एक दूर के कोने में रख दी।
एंजल से कहा कि जाओ और उस पर बैठ जाओ। एंजल बैठते वक्त सैंड्रा के करीब आ जाता है। उसने उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराया था। एंजल हमारा इस तरीके से कैरेक्टर है कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसका बदलाव लेगा, किसी को भी जाने नहीं दे सकता। रात में एंजल और वाने जब डिनर पर बात कर रहे थे तो वाने ने उसे कहा कि एक इंटर्नशिप है जो उसके करियर के लिए बहुत ही अच्छी होगी और वो उसे करनी थी। अगर वो इंटर्नशिप करती है तो पैसे ज़रा घर में कम आएंगे। ये बात एंजल को अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि फिर हम दोनों जी कैसे पाएंगे, मैं पैरालाइज्ड हूँ, इस वजह से मेरा अलाउंस बहुत ही कम आता है। वाने को इस बात के लिए स्ट्रिक्टली मना कर देता है। रात में एंजल को अपने पैर में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लग गई। डॉग की भी बार्किंग रुक नहीं रही थी। उसने घर में पेन किलर ढूंढने की कोशिश की पर उसे कहीं भी मिल नहीं पाते। वाने जिस जगह पर हमेशा पिल्स रखती है वहाँ पर आज मौजूद नहीं थे। सुबह होने पर एंजल वाने का ही वेट कर रहा था। उसे बहुत डांटता है, कहता है कि तुमने मुझे रात भर पेन में रखा। वाने को लगा था कि उसने एक्स्ट्रा मेडिसिन लाई हुई थी पर वो भूल चुकी थी। उसे बहुत बुरा लगता है और जल्दी से एंजल के लिए मेडिसिन लेने के लिए चली गई। एंजल डॉग की बार्किंग से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था। उसने एक मीट का पीस लिया और उसमें कुछ पीन्स डाल दिए। अगर डॉग इसे निगल लेता है तो इसके साथ ही पीन्स भी उसके पेट में चली जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। डॉग का ओनर डॉग को जब पार्क में लेकर गया तो उसका पीछा एंजल ने किया। दूर से सीटी मारकर डॉग को अपने पास बुला लेता है और इस मीट के पीस को उसने उसे खिला दिया। किसी ने भी एंजल को ये करते हुए नहीं देखा था। वाने जब अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तो एंजल उसकी सारी कन्वर्सेशन अपने लैपटॉप पर सुन रहा था। इसमें वाने की फ्रेंड उसे बोल रही थी, तुम्हें एंजल को छोड़ देना चाहिए, वो तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ने से रोक रहा है। वाने ने भी अपने फ्रेंड से कहा कि मैंने कभी भी एंजल को लाइक नहीं किया था। ये बात सुनकर एंजल को बुरा लगा। वो डिसाइड करता है कि अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेगा। आज रात उसने वाने के लिए कुक किया। उसके साथ एक रोमांटिक सा डिनर वो करना चाहता था। उसने उसके लिए एक ड्रेस भी लाई थी जो वाने को पहनने के लिए कहता है। ये सब देखकर वाने सरप्राइज थे। एंजल ने वाने से कहा, जो इंटर्नशिप तुम करना चाहती थी ये तुम्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब आज से सब कुछ बदल जाएगा, मैं हमारी रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करूंगा। एक नई शुरुआत के लिए वो टोस्ट करता है। आज रात ये दोनों इंटीमेट हो गए पर एंजल कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। वाने ने भी आज डिसाइड किया था कि रिलेशनशिप को और एक वो चांस देगी। आज रात जब एंजल शावर लेता है तो वाने अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, पर जब ये मैसेज आता तो एंजल के लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आती। इसका आवाज़ वाने ने सुन लिया। उसे चेक करने के लिए गई तो एंजल के ऐप के बारे में उसे पता चल जाता है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। अपने सारे कपड़े उसने लिए और तुरंत यहाँ से वो चली जाती है। एंजल जब शावर से बाहर आया तो आसपास वाने नहीं थी। उसका सारा सामान वो अपने साथ लेकर गई थी। एंजल ने उसे जो ड्रेस दिया था सिर्फ वही पड़ा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टली 2-3 मंथ्स गुजर चुके हैं। एंजल अब अकेला था, खुद का ख्याल खुद ही उसे रखना पड़ता था। एक दिन ग्रोसरी शॉप में उसे अपना फ्रेंड मिला पर उससे भी अच्छी तरीके से बात नहीं करता। उसने अपनी थेरेपी कंटिन्यू की थी। उसका मॉरल अब भी स्ट्रांग था। कोई भी उसे पैरालाइज्ड आदमी की तरह ट्रीट करे ये बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसने वाने का पीछा किया तो वो नोटिस करता है कि वाने रिकार्डो के साथ है। रिकार्डो एंजल का एक पार्टनर था। पीछा करते करते उसने देखा कि वाने और रिकार्डो ये बेबी सप्लाई के शॉप में गए हुए हैं। एक्चुअल में वाने और रिकार्डो दोनों रिलेशनशिप में थे, अब उन्हें बेबी भी होने वाला था। इस बात से एंजल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि रिकार्डो ने जानबूझकर वो एक्सीडेंट करवाया हुआ था। उसने रिवेंज लेने की सोच ली थी। वो फिर अपने फ्रेंड की मदद लेकर एक हॉस्पिटल में गया। वहाँ पर इलीगली वो मॉर्फिन बाय कर लेता है जो नशे की दवाई है। अगले दिन उसने वाने का पीछा किया। उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वाने ने कहा कि मैं तुमसे कुछ भी कहना नहीं चाहती। एंजल ने कहा कि लास्ट टाइम मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था, गुड बाय कहना चाहता था। वाने को भी उस पर तरस आ जाता है। उसके साथ चलने लग गए। एंजल ने कहा कि तुम्हारा कुछ सामान घर पर पड़ा हुआ है, अगर तुम चाहो अभी आकर उसे लेकर जा सकती हो। वाने इस बात के लिए मान गए। उसने घर में आकर देखा तो एंजल का इस तरीके से रहना उसे अच्छा नहीं लगता। घर पूरी तरीके से मैस था। एंजल ने कहा कि तुम्हारी चीज़ें बेडरूम में रखी हुई है। वाने जब बेडरूम में ढूंढ रही थी तो एंजल ने कहा कि बेड के नीचे है। वाने का जब ध्यान नहीं था तो एंजल ने मॉर्फिन का इंजेक्शन उसे इंजेक्ट कर दिया। इस वजह से वो बेहोश हो गई। अब एंजल उसके हाथ पैर बांध देता है। उसके मुंह पर भी उसने पट्टी लगाई हुई थी। वाने की चीज़ें कोई भी सुन ना पाए, इस वजह से एंजल ने बहुत ही लाउड सा म्यूजिक चलाया हुआ था।
एंजल ने वाने का मोबाइल लिया और रिकार्डो को मैसेज करता है, सॉरी मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम्हारे साथ बेबी में रेस नहीं कर सकती। ये मैसेज लिखने के बाद वाने का मोबाइल एंजल पानी में फेंक देता है। वाने को जब होश आया तो एंजल कहता है, मुझे तुम्हारे और रिकार्डो के बारे में पता है। वाने ने कहा कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वो चिल्लाने लग गए तो एंजल फिर से उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है। अगले दिन एंजल का नेबर उसके पास आया, वो उसे कहता है कि कल मैंने कुछ चीखे सुने, मुझे लगा कि वाने तुम्हारे साथ है। एंजल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नेबर ने बहुत ही लाउड सा म्यूजिक भी सुना था, इसकी भी उसने कंप्लेंट की। वो श्योर था कि किसी लड़के की आवाज आ रही थी। एंजल उसे कहता है, कल मैंने एक सेक्स वर्कर को घर पर बुलाया हुआ था, इसी वजह से उसकी आवाज तुम्हें आ रही होगी। नेबर इस बात को मान गया और यहाँ से वो चला जाता है। अपनी थेरेपी लेते हुए एंजल आज खुश था। सैंडा ने पूछा कि आज हुआ क्या है। एंजल ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, हमें बेबी होने वाला है। सैंडा ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। एंजल कहता है कि तुम्हारी एज भी बहुत ही ज्यादा हो गई है, तुम्हें अब तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें जल्दी ट्राई करना चाहिए वरना तुम्हें बेबी नहीं होगा। सैंड्रा ऑलमोस्ट एंजल का मजाक ले रही थी तो इसी वजह से उसे हर्ट करने के लिए उसने ये सब चीज़ें उसे बता दी। वो जब घर पर आया तो रिकार्डो उसके बिल्डिंग के नीचे उसका वेट कर रहा था। रिकार्डो कहता है, वाने और मैं हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मैं तुम्हें बताने वाला था। अचानक से वाने गायब हो चुकी है, क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? एंजल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, पर रिकार्डो का शक एंजल पर ही था। उसे इग्नोर कर वहां से चला गया। ऊपर आकर एंजल ने वाने से कहा कि तुम्हें शावर वगैरह लेना चाहिए। वाने उठने की कोशिश करती है पर उसके लेग्स पैरालाइज्ड हो चुके थे। एंजल ने उसे दवाई देकर उसके लेग्स को पैरालाइज्ड कर दिया था। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, वो तड़पने लग गई और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। एंजल इस बात को एंजॉय करता है, वाने को पेन में देखना यही उसका बदला था। एक रात वो वाने के साथ डिनर कर रहा था, कहता है कि अगर लड़की हुई तो तुम नेम डिसाइड करना वरना नेम मैं डिसाइड करूंगा। उसकी बेबी को लेकर पूरी तरीके से प्लान्स बन रहे थे। मौके का फायदा उठाकर वाने शराब की बोतल एंजल के सर में डाल देती है। वो हेल्प के लिए बहुत चिल्लाई, वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। एंजल ने उसे पकड़ लिया और उसे फिर से बेहोश कर देता है। वाने की चीखें सुनकर उसका नेबर डोर पर आ गया। एंजल ने डोर खोला तो उसके सर पर चोट नेबर ने देखी। नेबर ने कहा कि मुझे पता है कि वाने अंदर है, वो अंदर जाकर देखना चाहता था। नेबर जब अंदर गया तो एंजल ने डायरेक्टली नाइफ लेकर उसे मार डाला। अब प्रॉब्लम ये थी कि नेबर का क्या किया जाए। एंजल हमेशा जो भी वैल्यूएबल चीज़ें चुराता था तो एक गैंगस्टर को सेल करता था, तो उसी गैंगस्टर को उसने कॉल कर दिया। कुछ पैसे वो उसे दे देता है और नेबर की बॉडी गैंगस्टर लेकर चला गया। उसने फिर से वाने को कंट्रोल में कर लिया था। आज रात एंजल ने वाने के पॉकेट में से चाबी निकाली। वो डायरेक्टली रिकार्डो के घर पर गया और शावर में छुप जाता है। रिकार्डो जब घर पर आया तो एंजल ने उसे भी बेहोश कर दिया। फिर वो दारू लेता है और ज़बरदस्ती रिकार्डो को पिला देता है। यही पिला पिला कर उसने रिकार्डो को मार दिया। अब लोगों को लगेगा कि रिकार्डो ने खुद खुदकुशी कर ली। अगली सुबह एंजल से मिलने के लिए पुलिस आए। रिकार्डो ने पहले ही पुलिस को कॉल किया हुआ था। वाने अचानक से गायब हो गई, ये बात उसे बहुत ही अजीब लगी थी। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो प्रेग्नेंट थी और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, वो इस तरीके से गायब कैसे हो सकती है। रिकार्डो की डेड बॉडी मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने एंजल के यहाँ पेन की बहुत सारी मेडिसिन वगैरह देखी। यही मेडिसिन वो वाने को बेहोश रखने के लिए यूज़ कर रहा था, पर एंजल कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लेग्स में पेन होता है, इसी वजह से मैं इसे यूज़ करता हूँ। पुलिस को भी ज़्यादा कुछ शक नहीं होता और वहाँ से वो चले गए। पुलिस के जाने के बाद वाने को होश आया। एंजल उसके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाता है, कहता है कि बेबी के लिए अच्छा खाना उसे मिलना चाहिए। डेड ओल्ड वुमन से एंजल ने जो रिंग चुराई थी यही रिंग उसने वाने को दी और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो एंजल को अच्छा फील कराने के लिए हाँ कह देती है। उसने कहा कि मुझे बाथरूम में लेकर चलो। वाने के पैर पैरालाइज थे तो एंजल को लगा कि ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। बाथरूम में जाने के बाद उसने एंजल को डोर बंद करने के लिए कहा। वहाँ पर नेल कटर के बीच में जो नाइफ होती है ये वाने को मिल गई। बड़ी चालाकी से उसने इसे छुपा लिया। वाने की तबीयत ज़रा ख़राब थी तो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए रात में एंजल घर से बाहर निकलता है। मौके का फ़ायदा उठाकर वाने ने चाकू निकाल लिया, उसे अपने आप को फ्री कर दिया। एंजल ने डोर को बाहर से लॉक किया था तो उस चाकू से उस डोर को उसने तोड़ दिया। वो स्ट्रगल करते करते लिफ्ट तक आए, पर एंजल घर में कुछ भूल गया था तो वो फिर से वापस आता है। उसने वाने को देख लिया, उसको पीछा करने लग गया। वाने डर कर स्टेयर से नीचे गिर दिया तो एंजल भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसे पकड़ लेता है तो वाने ने बहुत स्ट्रगल किया
फाइनली अपना चाकू लेकर वो एंजल पर वार कर दिया। इस फाइट में एंजल ने अपना कंट्रोल लूज किया और वो नीचे गिर रहा था। वो अगर मरेगा तो वाने को भी साथ लेकर जाएगा, इसी वजह से उसे पकड़ लेता है। वाने ने चाकू लेकर उसके हाथ पर हमला किया, एंजल की ग्रिप छूट जाती है और ऊपर से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम एंजल को हॉस्पिटल में देखते हैं। पहले तो सिर्फ उसके लेग पैरालाइज थे, पर अब पूरी बॉडी भी हो चुकी थी। वो अब कुछ भी बोल भी नहीं सकता था। हॉस्पिटल में एंजल से मिलने के लिए वाने आई। वाने के पेट में एक हेल्दी बेबी भी था। एंजल ने उसको इतनी तकलीफ दी थी, फिर भी वो सेफ थी। फाइनली वो एंजल से कहती है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसका मतलब है हर दिन वो उसे बदला लेगी, हर दिन उसे तड़पाएगी। वो उसे अपने साथ लेकर गई। इसी के साथ वाने का रिवेंज कंप्लीट होता है और इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।